अक्सर ये कहा जाता है कि सड़क हादसे को रोकने वास्ते जिहड़ी पुलिस है तत्पर है लगातार ट्रैफिक को लेकर जिहड़े बड़े बड़े दिवस मनाए जाते हैं, पर दूजे पासे एक बड़ी खबर तुहानू दिखाउण जा रहे हैं। मोहाली के एयरपोर्ट रोड के उत्ते एक कार जिहड़ी पलट गई है, जिहदे नाल कि दस्सिया जा रहा कि बहुत बड़ा नुकसान होया। तस्वीरां पहले तुहानू एयरपोर्ट रोड दी दिखाने जिथे कि सीधिया जी तस्वीर ने एयरपोर्ट तो जी ट्रैफिक आ रही है, तो उस तस्वीर के भी तुम दिखा रहे कि मोहाली के एयरपोर्ट रोड की तस्वीर है जिते कि रात 2:30 बजे एक बड़ा हादसा होया जिस दे विच कि एक कार पलटी है। कार पलटन के नाल ट्रैफिक लाइटा भी टुट गई ने। तस्वीर तुम सीधिया दिखा रहे हैं कि किमें लाइटा जड़िया ने तोड़ के जी कार है सीधी पलट जाती है, तो उस तो बाद अजे उस व्यक्ति का पता किया जा रहा जिसकी ये कार है। भावें कि सोहाणा पुलिस तो जो असी जानकारी ली है उस दसया गया कि यह जी कार है उसकी आरसी तो पता किया गया कि राजपुरे के कोल पिंड गोपालपुर है, जिसका व्यक्ति का नाम हरजिंदर सिंह है। पर पुलिस वालों दसया गया कि अजे तक इस व्यक्ति की कोई परमिशन पुलिस को नहीं आई, ना ही किसी PCR को है, ना ही किसी होस्पिटल बारे पता लगे किस होस्पिटल दाखिल करवाया गया। पर यह तस्वीर देखो वरना गड्डी है PV39J8224 नंबर इस गड्डी का, जिते कि तस्वीर थोन दिखा दें कि बड़ा हादसा जड़ा होया लगता है कि बंदे की जान भी जड़ी लगता कि गई होगी, पर अजे तक पुलिस कोई परमिशन नहीं। पर पुलिस वालों लगातार जी पूछगिछ की जा रही है कि यह कार है किसकी है। तस्वीर थोड़ा सीधी दिखा रहे हैं मोहाली तो, मोहाली के बीच तुम देख सकते हो कि जिते कि पुलिस कहती है कि चप्पे चप्पे तो हूँ कैमरे भी लगा दिते ने, नाल दी नाल पुलिस भी कहते भारी गिणती के रोडों के उत्ते खड़ रही है। पर इदा के हादसे वापरते क्यों ने, तेज़ रफ्तारी कारण ही ये हादसे होंगे ने, जा फिर ड्रिंक ड्राइव के नाके जो बड़ी गिणती कहा जाता कि पुलिस लगा रही है, पर ड्रिंक कारण भी जो हादसे होंगे ने। यह तस्वीर तुम दिखा दें, इन्ना भयानक हादसा सी जिथे कि गड्डी के एयरबैग तक जोड़े खुल गए हैं, तो गड्डी चकना चूर हो गई है। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं कि पूरी चीज़ देख सकते हो कि अगे बंपर की गल करिए जो तुम देख सकते हो कि एक ट्रैफिक पोल न तोड़ सकती है, तो वह तस्वीर देखो तुम तो गड्डी कि भयानक हादसा कि स्पीड होएगी उसकी, तो यह तस्वीर देखो किमें एयरबैग भी अंदर खुल गए ने। एयरबैग खुलन के नाल तुम देख सकते हो कि बंदे की जान अजे बची है या नहीं बची, अजे पुलिस को भी इसकी परमिशन नहीं। भावें कि असी भी सोहाणा पुलिस के SHO भगवंत सिंह नाल गल की सी, उन्होंने दस्या कि कोई भी जानकारी अजे इस कार बारे नहीं आई, पर पुलिस ने इत्थे अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए दस्या कि इसकी आरसी तो पता गया लगाया गया कि यह गड्डी राजपुरे की है, राजपुरे के पिंड गोपालपुरे, गोपालपुरा का पिंड है, उत्थे हरजिंदर सिंह के नाम तो जी आरसी रजिस्टर्ड है। तो इस लैके उन्होंने दसिया कि लगातार ये भाल की जा रही है कि किस व्यक्ति की गड्डी है। पर दूजे पासे देखना हादसे का कारण बनता क्यों है, ट्रैफिक लाइटों के उत्ते जैबरा क्रॉसिंग होंगी है, जैबरा क्रॉसिंग तो अगे किमें गड्डिया खड़दिया ने, कि हादसे का कारण बनता तुम देखो कि जैबरा क्रॉसिंग कितने है, उस तो अगे जाके गड्डिया किमें खड़िया ने। तो दूजे पासे जो एक टाइम नाल ग्रीन लाइट तो रेड होंगी है, तो नाल दी नाल ही जिहड़े गड्डिया तेज चलदिया ने उस तो बाद हादसे होंगे। तुम देखो ये गड्डी किन्नी अगे जी जा रही है, तो उस तो बाद देखो रेड लाइट क्रॉस करके ही जी गड्डी जा रही है। पर यह बड़े सवाल ने ट्रैफिक वास्ते, एक बार देखो तुम पुलिस अधिकारी भी खड़े ने पर कोई भी इन्हां ते कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखो नौजवान ने, नौजवान बिना हेलमेट तो लाइट क्रॉस करके जा रहे हैं, ये तस्वीर ने हादसे के बड़े कारण बनते हैं। भावें कि जो ये गड्डी पलटी है इस बारे यह नहीं कह सकते कि यह तेज़ रफ्तारी कारण होया या फिर किसी ड्रिंक कारण होया। कई बार की होंगे कि इदा के ट्रैफिक रूल तोड़ के जोड़े नौजवान ने या फिर कारा वाले ने वो तोड़ते हैं रूल, तो उस तो बाद गड्डी अनकंट्रोल हो जाती है, उस तो बाद जो हादसे जोड़े होंगे ने। यह तस्वीर है थोड़ा वो तो वो शेयर कर दो किमें हादसों के लगातार जोड़ा वाधा हो रहा है, इसको लैके ट्रैफिक पुलिस तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता, पर वो दावे उदों खोखले नज़र आते हैं जदों इदा के बड़े हादसे होंगे ने। तो भावें कि मोहाली पुलिस बड़े बड़े दावे ये भी करती है कि असी अकली अकली ट्रैफिक लाइट के उत्ते कैमरे लगा दिते ने, पर कैमरे किस काम दे जो इदा के बड़े हादसे हो जाते हैं, चलान कोई इन्हां कैमरिया कारण नहीं हुंदा, तो यह किवें पॉसीबल होएगा कि कैमरिया राही जिहड़ा कैप्चर किया जाएगा हर इंसान को जो गलती करता है। पर तस्वीर तुम दिखा दें कि कैमरे लगे हुए ने पर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। यह मोहाली तस्वीर है जिते कि बड़े बड़े वादे करने वाला प्रशासन अज लगता कि इदा के इंसाना अगे चुप बैठा है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े ने भावें, पर इंतजाम नहीं हो रहा पुख्ता। इसको लैके दावे जोड़े किए जाते हैं खोखले नज़र आ रहे हैं, पुलिस वालों लाइट तो खड़िया जरूर जाता है पर इदा के बंद के चलान नहीं किए जाते जो जैबरा क्रॉसिंग करते हैं अगे खड़ते हैं। तुम देखो एक आटो है, आटो के देखो कि किनिया सवारियां ने, 3 सवारियां जिहड़ियां पास होंदियां ने। तुम देखो कि हुण जैबरा क्रॉसिंग जिहड़ियां
ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ 2:30 ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪਲਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।